Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 7, geometry. And today our topic is three-dimensional shapes. So, three-dimensional shapes are solid shapes. Three-dimensional shapes yani solid shapes. Solid shapes mein kaun se hote hain shape? Cube, cylinder, cuboid, sphere, cone. Ye jo shapes hai wo kaise shapes hai? Solid shapes. Which has three measurements, length, breadth and height. जिनके तीन measurement होते हैं, length, breadth और height. A solid has face, edges and vertices. Solid shapes होते हैं, उनके faces होते हैं, vertices होते हैं और edges होती है. तो पहले हम समझते हैं कि face होता क्या है. A upper surface of a solid shape called a face. Solid shape जो होता है, उसका जो upper surface होता है, उसे हम बोलते हैं face. A line segment where two or more faces meet is called its edges. Line segments जहाँ पे एक या तो दो से ज़्यादा faces जो होते हैं, वो मिलते हैं, वो line segment को हम बोलते हैं edges. A point where edges meet is called vertex. अगर polygon में जो sides होती है polygon की वो सब equal है तो क्या करना चाहिए, हमें एक number से मतलब जितनी sides होती है उसको multiply कर देना चाहिए equal length से. जैसे कि आप देख सकते हो perimeter of an equilateral triangle. Equilateral triangle यानी कि तीनों sides जो होगी triangle की वो same होगी. तो साइड कितनी है? 3. तो हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय साइड. साइड यानी जो भी साइड की लेंथ होगी वो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर. तो स्क्वायर में भी चार साइड्स जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है. तो हम क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. तो चारों जो साइड की लेंथ होगी उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन पेरिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. पेरिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है. तो लेंथ और ब्रेथ वो हम हमको पता है कि रेक्टेंगल में ये जो होता है वो होती है ब्रेथ और ये जो होता है वो होता है लेंथ. तो ये लेंथ ये दोनों सेम होगा और ये दोनों ब्रेथ सेम होगी. तो क्या होगा रेक्टेंगल का पेरिमीटर? 2 इनटू लेंथ प्लस 2 इनटू ब्रेथ. तो हमने क्या किया? 2 कॉमन ले लिया और अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया? लेंथ प्लस ब्रेथ. तो ये हो गया पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल. नाउ लेट अस सॉल्व एग्जांपल बेस्ड ऑन perimeter. So the sides of a rectangular frame are 160 meter and 240 meter respectively. Rectangular frame hai. Rectangular frame hai. So rectangular frame mein 4 sides hoti hai. Usme unki sides ka measurement kya hai? 160 meter and 240 meter. यानी कि दो साइड 160 मीटर की होगी और दूसरी दो जो होगी वो 240 की होगी. तो लेंथ जो है वो 240 मीटर की है यानी कि ये दोनों 240 मीटर का होगा और ये साइड जो है वो 160 मीटर की है तो ये भी क्या होगी? 160 मीटर की. बिकॉज़ ये दोनों अपोजिट है तो दोनों क्या होगा? इक्वल. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल around at ₹35 per unit. यानी कि हमें क्या find करना है? जैसे कि rectangular field है, इनके चारों side हमें fencing करवानी है, तो उसका cost है ₹35 per unit. Per unit यानी
तो टू लेंथ हमारी है 240 मीटर प्लस ब्रेथ है 160 मीटर. तो 2 × 240 + 160 कितना होगा? 240 प्लस 160 करना है तो 0 + 0 = 0, 6 + 4 = 10. 1 carry 0, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4. कितना हुआ? 400. तो अब 2 × 400 = 800 मीटर. तो पूरे बाउंड्री की लेंथ कितनी है? पूरे रेक्टेंगुलर की बाउंड्री की लेंथ यानी कि पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या है? 800 मीटर. तो ₹35 पर यूनिट यानी 1 मीटर का कॉस्ट है ₹35. तो ऐसे हमें 800 मीटर में फेंसिंग करवानी हो तो कितने कितना कॉस्ट लगेगा वो फाइंड करना है. तो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू कितना होगा? 35. ₹35 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 800 से, बिकॉज हमारा पेरीमीटर क्या है? 800. तो ₹35 × 800. तो पहले 35 × 8 कर लेंगे, बाद में पीछे 0 0 रख लेंगे. तो 8 × 5 = 40. 8 × 3 = 24, 24 + 4 = 28. तो 280. तो 280 एंड डबल जीरो रख लेंगे 100 के, तो कितने रुपीस हुए? 28,000. तो इतना कॉस्ट होगा अगर पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड को फेंसिंग करनी है. तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट. ये जो होता है वो होती है ब्रेथ, और ये जो होता है वो होता है लेंथ. तो ये लेंथ, ये दोनों सेम होगा और ये दोनों ब्रेथ सेम होगी. तो क्या होगा रेक्टेंगल का पैरामीटर? 2 × लेंथ + 2 × ब्रेथ. तो हमने क्या किया? 2 कॉमन ले लिया और अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया? लेंथ प्लस ब्रेथ. ये हो गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. नाउ लेट अस सॉल्व एग्जांपल बेस्ड ऑन पैरामीटर. तो द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फिल्म आर 160 मीटर एंड 240 मीटर रिस्पेक्टिवली. रेक्टेंगुलर फिल्म है तो रेक्टेंगुलर फिल्म में चार साइड्स होती है. उसमें उनकी साइड्स का मेजरमेंट क्या है? 160 मीटर एंड 240 मीटर. यानी कि दो साइड 160 मीटर की होगी और दूसरी दो जो होगी वो 240 की होगी. तो लेंथ जो है वो 240 मीटर की है, यानी कि ये दोनों 240 मीटर का होगा और ये साइड जो है वो 160 मीटर की है. तो ये भी क्या होगी? 160 मीटर की, बिकॉज ये दोनों अपोजिट है तो दोनों क्या होगा? इक्वल. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट एट ₹35 पर यूनिट. यानी कि हमें क्या फाइंड करना है? जैसे कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, इनके चारों साइड हमें फेंसिंग करवानी है, तो उसका कॉस्ट है ₹35 पर यूनिट. पर यूनिट यानी एक यूनिट का कॉस्ट है ₹35. तो ऐसा हमें पूरा रेक्टेंगुलर शेप में फेंसिंग करवानी हो तो कितना कॉस्ट होगा वो हमें फाइंड करना है. तो पहले तो हम क्या करेंगे कि ये पूरी लेंथ कितनी है, रेक्टेंगुलर की बाउंड्री कितनी है वो फाइंड करेंगे. यानी कि वो कैसे मिलेगा? पैरामीटर से. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल
टोटल क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ हमारी है 240 मीटर प्लस ब्रेथ है 160 मीटर। तो 2 इंटू 240 प्लस 160 कितना होगा? 240 प्लस 160 करना है तो 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी 0, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 कितना हुआ? 400। तो अब 2 इंटू 400 इज इक्वल टू 800 मीटर। तो पूरे बाउंड्री की लेंथ कितनी है, पूरे रेक्टेंगुलर की बाउंड्री की लेंथ यानी कि पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या है? 800 मीटर। तो ₹35 पर यूनिट, पर यूनिट यानी 1 मीटर का कॉस्ट है ₹35। तो ऐसे हमें 800 मीटर में फेंसिंग करवानी हो तो कितने कितना कॉस्ट लगेगा वो फाइंड करना है। तो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू कितना होगा? 35। ₹35 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 800 से, बिकॉज हमारा पेरीमीटर क्या है 800। तो ₹35 इंटू 800, तो पहले 35 इंटू 8 कर लेंगे, बाद में पीछे 0 0 रख लेंगे। तो 8 इंटू 5 40, 8 3 का 24, 24 प्लस 4 28, तो 280। तो 280 एंड डबल 0 रख लेंगे 100 के, तो कितने रुपीस हुए? 28,000। तो इतना कॉस्ट होगा अगर पूरी रेक्टेंगुलर फील्ड को फेंसिंग करनी है। तो ये होगा